हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी ऐप। आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जो आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें कुछ क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको हम सेकंड वीडियो में लेकर आएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल है, तदरीस के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो फर्स्ट नंबर पर है दर्जा में तलबा की तादाद मुतमईन करना। सेकंड नंबर पर है अच्छे कपड़े पहनकर आना। थर्ड नंबर पर है मंसूबा सबक तैयार करना। और फोर्थ नंबर पर है बच्चों को डांटकर काबू में रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन थर्ड, यानी कि मंसूबा सबक तैयार करना। मंसूबा सबक यानी कि लेसन प्लान। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल है, समयी व बसरी अशियाएं हैं। तो आप लोगों को देखिए ये अच्छे से पता है कि समयी अशिया और बसरी अशिया किसको कहते हैं। तो समयी अशिया जिसमें सिर्फ हम सुन सकें, जैसे रेडियो हो गया। बसरी अशिया किसको कहते हैं, तो जिसको हम देख सकें, जैसे ग्लोब हो गया, चार्ट हो गया। और समयी और बसरी यानी श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको हम देख भी सकें और सुन भी सकें। तो इस लिहाज से देखिए आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाता है ग्रामोफोन, सेकंड नंबर पर हो जाता है टेलीफोन, थर्ड नंबर पर हो जाता है रेडियो और फोर्थ नंबर पर हो जाता है टेलीविज़न। तो यहाँ पे समयी और बसरी दोनों के बारे में बात की गई है। तो हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, यानी कि टेलीविज़न, यानी कि आपका फोर नंबर का ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को प्रोजेक्ट का काम देने का मकसद है। तो फर्स्ट नंबर पर है बच्चे खुद करके सीख सकें, बच्चे मशरूफ़ रहें यानी बिजी रहें। थर्ड नंबर पर है उस्ताद को परेशान ना करें। या फोर्थ नंबर पर है इन पर काम का बोझ रहे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है फर्स्ट नंबर का, यानी कि बच्चे खुद करके सीख सकें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहासबा व तजजिया का मकसद है। देखिए मुहासबा और तजजिया मतलब आंकलन, आकलन से होता है। तो तलबा को होमवर्क देना, या सेकेंड नंबर पर है तलबा को देर तक खड़ा रखना, या थर्ड नंबर पर है तलबा की सलाहियत को जांचना और देखिए कमियों को दूर करना, और फोर नंबर पर है तलबा को पढ़ने के लिए तैयार करना। तो जो इसका राइट आंसर वो आपका थर्ड हो जाता है, यानी कि तलबा की सलाहियत को जांचना और कमियों को दूर करना। उसके बाद देखते हैं, देखिए दूर करना यहाँ पे इरेज हो गया है, हाँ दूर करना, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रामा की तदरीस का खास मकसद है। तो फर्स्ट नंबर पर है बच्चों को ड्रामा करने में माहिर बनाना। सेकंड नंबर पर है खेल कूद में दिलचस्पी पैदा करना। थर्ड नंबर पर है बच्चों को खुश करना। और फोर्थ नंबर पर है अल्फाज और जुमलों की अदायगी का फन सिखाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका फोर्थ नंबर का हो जाता है, यानी कि अल्फाज और जुमलों की अदायगी का फन सिखाना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दौरान तदरीस इमदादी माइन अशिया की क्या अहमियत है, चंद माइन अशिया के नाम लिखें। तो जवाब है तदरीस के दौरान माइन अशिया के इस्तेमाल से सबक दिलचस्प और आसान हो जाता है। और इनमें जो नाम लिखने हैं वो देखिए चंद नाम हैं, चाक हो जाता है, डस्टर हो जाता है, तख्त स्याह मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं, देखिए एक नंबर का था तो एक नंबर के लिए ये इतना इनफ है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तदरीस नज्म के दौरान किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो जवाब देख लेते हैं, तदरीस नज्म में इस बात का ख्याल रखना कि तलबा शायर के तखील
समझ सकें और उस्ताद के लुत्फ अंदूज हो सके और बच्चों में खुदा परस्ती, रहम दिली, सच्चाई, दयानतदारी और हब्बुल वतनी के जज्बात फरूग पा सकें। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुहासबा और तजजिया से आप क्या समझते हैं? तो जवाब है, दर्स व तदरीस के दौरान बच्चों की तालीमी लियाकत जांचना मुहासबा और तजजिया है। ठीक है ना, मुहासबा और तजजिया मतलब आकलन करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा में सबक की तैयारी बुलंदख्वानी से तलबा की किन सलाहियतों को फरूग देता है? तो देखिए, जवाब है, मसाली बुलंदख्वानी से तलबाए की फ़नी महारत बेहतरीन होती हैं और इनकी ज़खीरा अल्फाज में इजाफा होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, फ़नी महारतों पर मुख्तसर नोट लिखें। इसमें देख लेते हैं, जिन सलाहियतों की मर से बच्चा अपने ख्यालात व जज्बात को जाहिर करता है उसको फ़नी महारत कहते हैं। जैसे देखिए, सुनना हो गया, बोलना हो गया, पढ़ना हो गया और लिखना हो गया। तो इसको आप सुबह पाली से भी याद रख सकते हैं। देखिए ये हिंदी का हो जाता है, लेकिन आप लोगों को तो ट्रिक से मतलब होता है कि आप लोग ट्रिक अच्छे से सीख लें और क्वेश्चन अच्छे से कर लें। तो सुबोपाली यानी सुनना, बस बा में ओ की मात्रा मतलब बोलना, पा में आ की मात्रा मतलब पढ़ना और ला में छुटी की मात्रा यानी कि सुबोपाली, ला में बड़ी की मात्रा है। ट्रिक तो ऐसी ही होती हैं, तो लिखना, ठीक है ना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौरान तदरीस दर्जे का माहौल कैसा होना चाहिए? तो जवाब है इसका, तदरीस के दौरान दर्जा का माहौल जमहूरियत यानी देखिए लोकतांत्रिक पसंद होना चाहिए, यानी जमहूरियत पसंद होना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे को इब्तदाई तालीम मादरी जबान में देना क्यों ज़रूरी है? तो जब बच्चा स्कूल में दाखिला लेता है तो बस उसे मादरी जबान का ही इल्म होता है। मादरी जबान किसे कहते हैं? तो मादरी जबान जो बच्चा अपनी माँ से सीखता है, अपने आस पड़ोस के माहौल से सीखता है, उसको मादरी जबान कहा जाता है। तो जब स्कूल में बच्चा दाखिला यानी कि एडमिशन लेता है तो वो कौन सी भाषा यानी कि कौन सी लैंग्वेज जानता है? तो उसे सिर्फ मादरी जबान के बारे में ही इल्म होता है, ठीक है ना। इसलिए देखिए, जब भी बच्चों को तालीम मादरी जबान में ही देना चाहिए, इसलिए बच्चों को सीखने में फतरीन आता है और जल्दी बच्चे सीख जाते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बच्चों को अगर मादरी जबान में शिक्षा दी जाए तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि वो जब आँख खोलते हैं तब जब भी वो बोलना सीखते हैं तो वो अपनी माँ से जो जबान सीखते हैं उसी जबान में अगर उनको शिक्षा दी जाए तो वो बच्चे अच्छे से सीख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।